भाई ने ये प्रोडक्ट्स यूज करके स्वस्थ हो गया, अब पहले से बेटर फील करने लग गया, बात यहीं पे खत्म हो गई। लेकिन एक दिन अचानक फोन जाता है, दिल्ली से आनंद गांधी जी का फोन जाता है कि आप स्वस्थ हैं? मैंने कहा सर बिल्कुल स्वस्थ हूं, आपको ये प्रोडक्ट्स कैसे लगे? मैंने कहा सर मैं इनसे प्यार करता हूं, इनके प्रति मेरे दिल में श्रद्धा है, और जितने भी लोग होंगे उनको आपके पास भेजता रहूंगा। उन्होंने कहा नहीं, थैंक्स बोलने दिल्ली आइए। मैंने कहा सर पुलिस वाला हूं, 30 दिन की छुट्टी होती, पूरे एक साल में 3 दिन की छुट्टी मिलती है, बड़ी मुश्किल से बच्चों के दर्शन होते हैं, आपके पास कैसे आऊं? अब जब आदमी का काम निकल जाता ना तो बदलने लगता है। खैर उन्होंने प्रेस किया तो मैं आया यहां पे, नारायणा ऑफिस पहुंचा और उन्होंने कहा देखो ये बिजनेस है, आप इस बिजनेस को भी कर सकते हो। मैंने कहा सर जो पैसा मेरे पास था वो तो सारा मैं बीमारी में दे चुका हूं, तो बिजनेस करने का तो मतलब ही नहीं उठता। उन्होंने कहा जी पैसा तो लगना ही नहीं है। मैंने कहा पैसा नहीं लगना है तो फिर देखने में क्या दिक्कत है? चल गया तो पैसा ही पैसा, नहीं चला तो पहले जैसा वापस चला जाऊंगा। नारायणा ऑफिस में पहुंचे, हमारे पहुंचने के ठीक 5 मिनट बाद वो शख्स भी मेरे साथ थे जिन्होंने पहली मुलाकात मेरी सर से कराई थी। ऑफिस पहुंचे, वहां पे मैंने कहा सर ठीक है मैं ज्वाइन करता हूं, फॉर्म पे साइन किए, उन सज्जन ने मेरे को स्पॉन्सर किया। ये बात अलग है कि मेरे को स्पॉन्सर करके वो आज तक इधर नहीं आए। फॉर्म जमा किया, उसी दिन 2 सीसी का बिजनेस भी किया, और वहीं पे मुलाकात होती है एक ऐसे शख्स से जो मेरे गुरु ही नहीं मेरे परम श्रद्धेय हैं, ईश्वर और मेरे माता पिता के बाद। अगर मैं किसी की इज्जत करता हूं और किसी को नतमस्तक होता हूं तो वो है डॉक्टर के शर्मा। जोरदार तालियां चाहता हूं उनके लिए। दोस्तों वहां से मुझे एक बात पता चली उस ट्रेनिंग रूम से कि यहां पे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन आपको जिन लोगों की जिंदगी आप बदल चुकी हैं उनकी संगत में जाना पड़ेगा, उनकी नकल करना पड़ेगा, उन जैसा चलना पड़ेगा, उन जैसा बोलना पड़ेगा, उन जैसा पहनना पड़ेगा, तब आप उनमें सम्मिलित हो सकते हैं। इस बात को लेके वापस चला गया पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ पहुंचा तो वो ही ढाक के 3 पात, वहां जाके छुट्टी नहीं है साहब। ट्रेनिंग से दूर होता चला गया और FLP से भी दूर होता चला गया। के शर्मा जी फोन कर रहे हैं कि आइए दिल्ली ऑफिस, आइए दिल्ली ऑफिस, आइए। बच्चों से बोलता हूं जी मेरे को ऑफिस जाना है, 3 दिन की छुट्टी लेके वहां जा रहा हूं, तो कह रहे हैं जी बाद में देख लेना इसको बिजनेस को, अभी तो हमारे पास आ जाया करो। तो बच्चों का मोह किसे नहीं होता जी, अभी पत्नियों की बात चल रही थी। वो कह रहे थे जी नानी याद आ जाती है पत्नी को अगर 3 दिन हो जाते। हमारी तो पत्नी 3 महीने बाद हमारे पास आती थी। ट्रेनिंग से दूर होता चला गया, लोगों से बात करता था, लोग बड़ी मजाक बनाते थे। आप लोगों के साथ होता होगा, आपकी भी मजाक बनाते होंगे दोस्तों, लेकिन चूंकि मैं पुलिस वाला था इसलिए और ज्यादा मजाक बनाते थे कि यार ये कौन सा लिटरेचर पढ़ाने आ गया। मैं बोलता था जी ये जो पीला डब्बा है इसमें एलोवेरा दुनिया का बेस्ट न्यूट्रिशन है, आप इसको इस्तेमाल करिए। वो कहते दीवान जी सब कुछ ठीक तो है, सस्पेंड वगैरह तो नहीं हो गए? वो मैं कहता हूं जी मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई साहब, आपको ठीक करने के लिए इसको लाया हूं। बोले भाई साहब आप वही काम में अच्छे लगते हैं, अपना पकड़ो उसको। और
जितने लोगों के पास जाता जाता गया, सब नो बोलते चले गए, नो बोलते चले गए, नो बोलते चले गए। हजारों लोगों ने नो बोल दिया, मगर एक आध बार जब मैं ट्रेनिंग में आया तो मैंने ये सीख लिया था यहां पे कि अगर आपके नो बोलने वाला डब्बा भर जाता है तो आप आगे निकलना शुरू हो जाते हैं, और मैंने इस बात की चिंता नहीं की। दोस्तों, नो बोलने वाले मिलते रहे और पिथौरागढ़ से ट्रांसफर मेरी हो जाती है बिजनौर। बिजनौर आया तो मेरठ ऑफिस था, करीब पड़ता था। मैंने अपने जो इंचार्ज थे उनको कहा, मैंने सर आप रात की ड्यूटी लगा दीजिए, दिन में मैं जरा कहीं मिल लेता हूं इधर उधर। तो क्या यार आप मिलते वो हो तो उन्हें क्या बताया कि मैं कहां मिल रहा हूं। रात को ड्यूटी करता था, दिन में मेरठ आ जाता था, पीछे वाली सीट पे चुपचाप बैठा, अपने नोट्स बनाए और वापस चला जाता था बिजनौर। बीच बीच में कभी थोड़ा टाइम होता था दिल्ली ऑफिस आ जाता था, वहां पे ट्रेनिंग में पीछे चुपचाप बैठा और चुपचाप निकल लिया। ट्रेनिंग मेरे पास धीरे धीरे आने लग गई। प्रोडक्ट्स से मेरे को प्यार था, प्रोडक्ट्स के अंदर मेरी श्रद्धा थी, क्योंकि मेरे जिंदगी को इन प्रोडक्ट्स ने बचाया था। प्रोडक्ट्स और ट्रेनिंग जब दोनों मिलने लग गए तो दोस्तों आश्चर्य की बात है कि लोगों ने मेरे को हां बोलना शुरू कर दिया। लोगों ने हां बोलना शुरू करा कि ये इंसान दीवाना है, ये केवल पुलिस वाला नहीं है, ये इंसान अपनी ड्यूटी भी करता है और थैलों में लेके इन प्रोडक्ट्स को जाता है, इन प्रोडक्ट्स में कोई ना कोई बात है, और ये आदमी अब पुलिस वाला नहीं, पुलिस वाले से हटके कुछ दिखता है, इसकी बात को मानना चाहिए। लोगों ने मेरी बात माननी शुरू की। एक दिन मैं और मेरी वाइफ बैठे थे घर में, मेरी वाइफ यहां पे बैठी है, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां उसके लिए भी हो जाएं। मैंने उसको कहा ये कब तक चलेगा, रात को ड्यूटी दिन में एफएलपी, रात को ड्यूटी दिन में एफएलपी, ना हो अपने अपने किनारे पे चली जाएंगी, बीच में कहीं मैं ना फट जाऊं। दो नाव में जिसके पैर होते हैं उसके साथ दोस्तों ऐसा ही होता। मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए बताओ, तो उसने कहा कि 30 साल तक सरकारी नौकरी की है आपने, 30 साल आपको हो गए पुलिस की नौकरी करते हुए, आज तक एक नई बाइक नहीं खरीद पाए, सेकंड हैंड बाइक पे चलते हो, अगर आपको करोड़पति बना सकती है तो ये कंपनी आपको करोड़पति बना सकती है। दोस्तों दोनों पति पत्नी 10 बजे ऑफिस पहुंचे, हमारे जो बॉस थे हमने उनको कहा जी हमें नहीं करनी ये नौकरी। बोलते हैं जी भले चंगे हो क्या बात हो गई, मैंने कहा सर भला चंगा हूं इसीलिए नहीं करनी। 30 साल की नौकरी को 5 मिनट में छोड़ने का डिसीजन लिया, और डिसीजन लेके फुल टाइम इसको करना शुरू किया। अभी आपको कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह के लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि एक बात मैं आपको बीच में बताना चाहता हूं दोस्तों, जो लोग दूसरों के टारगेट पूरे करते हैं अपना टारगेट नहीं बनाते, वो लोग इस तरह से कोड़ियों की तरह से पैसा बटोरते हैं, कोड़ियों की तरह उनके पास पैसा आता है, और जो लोग अपने टारगेट बनाते हैं उनके पास अथाह संपत्ति आती है। बीस हजार 25,000 की नौकरी वाले से अगर मैं बात करता हूं जाके कि सर मेरे तो जॉब का मामला, नौकरी नहीं बोलता जी कोई भी, एक नया सिस्टम आ गया है, जॉब बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं, और जो घर में काम कर रहा है उसको नौकर बोलते हैं। बात तो एक है, आप ऊपर हैं या नीचे हैं, बात सेम है। 40,000 रुपए सैलरी की नौकरी 5 मिनट में छोड़ी, और नतीजा क्या आया, लोगों ने हां बोलना शुरू कर दिया था। अगस्त 2012 में मैंने नौकरी को अलविदा कहा, अक्टूबर 2012 में जहां से जिंदगी चेंज होनी शुरू होती है, दिल संभाल के बैठना, अभी लगने वाले चौके छक्के अभी तक हो रही थी टुक टुक।
अक्टूबर 2012 में वो लेवल मैंने प्राप्त किया जिसको पाने का सपना लेके यहाँ सब लोग आते हैं, वो पद था मैनेजर का पद, और अक्टूबर 2012 में मैंने उसको पाया और एक हेल्दी टीम के साथ पाया। अक्टूबर 2012 का मेरा जो पहला चेक, मेरी जो पहली इनकम आई थी दोस्तों, 40,000 रुपए की नौकरी छोड़ के आया था। यहाँ पे पहले महीने की इनकम 67,000 रुपए आई। जब मेरे पास आए तो घर का माहौल आप समझते हैं कैसा होता, खुशियों से भरा था। और उस दिन तो गजब हो गया। गजब ये हुआ, हमारे यहां चूंकि हम गांव से रिलेटेड हैं तो वहां पे क्या होता है, पत्नी पश्चिम को मुंह करके बैठती है, पति पूरब को मुंह करके बैठता है ना जी, बीच में बच्चे बच्चे ये वो सब होते हैं। लेकिन उस दिन मेरी पत्नी ने मेरे को बोला कि मुझे आप पे बहुत गर्व है। मेरे 30 साल का जो वैवाहिक जीवन था उस दिन सफल हुआ दोस्तों। क्या आप वाकई मेरे जैसी फीलिंग चाहते हैं? बिल्कुल आगे आना चाहते हैं? और थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आप में से कुछ लोगों की आज जिंदगी जरूर बदलेगी दोस्तों। दिसंबर 2012 में जो मेरा सपना होता था ना, एक पुरानी बाइक पे चलता था, मेरा सपना होता था कि मैं एक कार में चलूं। इस कंपनी की, इस प्लेटफॉर्म की मानता देखिए कि दिसंबर 2012 में मेरे को कार प्लान फर्स्ट दिया। अब तो एक चमचमाती गाड़ी आ गई है जी, 7.5 लाख रुपए का मामला था, चमचमाती गाड़ी आ गई। मॉल में किस तरह से खरीददारी की जाती है ब्रांडेड कपड़ों की वो भी जान गए, जूते भी हाई क्लास के आ गए, बातें भी चेंज होने लग गई। और उसके बाद कार में बैठ के जब जगवीर सिंह जाते हैं FLP ऑफिस तो लोग कहते हैं आइए वेलकम सर, आपका स्वागत है। जो जगवीर सिंह ये सोचते थे कि ये दुनिया दूसरी है, ये जितने भी बड़े लीडर हैं ये पहले से ही बड़े लीडर होंगे, वो मैं बिल्कुल रॉन्ग था। मुझे मेरी अपलाइन के द्वारा बताया गया था कि कोई भी आदमी जब यहां पे आता है तो हर आदमी उस फॉर्म को साइन करता है और डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, इसके बाद मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर बनता है। उसी तरह से आप भी बन सकते हो। और वो बात मुझे उस दिन अच्छी तरह महसूस हुई कि मैं पिछली सीट पर बैठने वाला आदमी आज मंच पर आके खड़ा हो गया। कई लोगों को ये भ्रांतियां होती हैं कि यहां पे पैसा देके किसी को कुछ बुलवाया जाता होगा, होती है जी, होती है, सच को क्यों छुपा रहे हो, होती है। लेकिन आप मेरी भाषा से महसूस करिए, क्या मैं पैसे लेके आने वाला हूं? मैं यहां से बात करता हूं दोस्तों तो यहीं से सुननी पड़ेगी आपको। दिसंबर 2012 में कार प्लान मिला, 2013 में मिलेनियर क्लब का सदस्य बना। जो सपना होता है सबका कि मेरी एक अच्छी इनकम हो, वो इनकम मेरे आने शुरू हुई। और बड़े मजे की बात सर आपको बोलना चाह रहा हूं, वहीं पे मेरी पत्नी ने कभी किसी को हाथ नहीं मिलाया था, है ना। मैं मिलेनियर क्लब की शील्ड वहां पे ले रहा हूं और अमरजीत सर से मेरी वाइफ ने हाथ मिलाया, मेरे को बड़ी खुशी हुई। जिंदगी बदल गई थी, जिंदगी अपने फॉर्म में आ गई थी, सफलता आना शुरू हो गई थी, सफल लोगों में बैठना शुरू कर दिया था, सोसाइटी चेंज होने लग गई थी। और दोस्तों जो लोग मेरे को नो बोलते थे ना, अच्छा सर खड़े हो जाओ जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
जो लोग मेरे को शुरू में नो बोलते थे और मैं हताश हो जाता था, अब उन लोगों ने मेरी चौखट पे आना शुरू कर दिया। अब मैंने उनके पास जाना बंद कर दिया, उन लोगों ने मेरे पास आना शुरू कर दिया। बोले सर हमें बताइए, जिस तरह से आपकी जिंदगी चेंज हुई है, क्या हम भी कर सकते हैं? यह फर्क आ गया था उस दौर में और इस दौर में। तभी पता चलता है कि अब आप अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं मुंबई होटल ताज। अब यहां पे तो उत्साह की कोई सीमा ही नहीं रही। कल को जाना है, रात को तैयारी कर रहे हैं, दोनों मियां बीवी सो ही नहीं रहे रात भर। हमें वहां पे पता ही नहीं होता था कि क्या करना है, रियल बोल रहा हूं आपको। मेरे को पता ही नहीं था फाइव स्टार क्या होता, मैं समझता था ये किन्हीं और ही लोगों के लिए होते हैं यार, यहां पे कोई और ही लोग जाते हैं। 7:30 बजे एयरपोर्ट पे बुलाया, हम दोनों 6:30 बजे जाके खड़े हो गए। दोनों खड़े हैं, हमारे 1 घंटे बाद लोग वहां पे पहुंचना शुरू हुए हैं जी। दूर से देखा करते थे, हमारे पापा कहा करते थे कि देखो वो जा रही चील गाड़ी। आज उस चील गाड़ी में जाने का नंबर आया तो एक्साइटमेंट तो होना ही था, उत्साह तो होना ही था। अंत तो गतवा वो टाइम आया कि हम उसके अंदर प्रवेश कर गए है जी। जैसे ही प्रवेश किया तो एक नया नजारा वहां पे आया। नजारा क्या था जी, मेरे को तो अभी भी पता नहीं वो होता क्या है। एक गैस जैसी छोड़ देते हैं वो, क्या बोलते हैं जी उसको, उसका वहां पे वातावरण शुद्ध करने को कुछ छोड़ा। तो मैंने अपनी मिसिज को कहा यार ये तो पिथौरागढ़ जैसा वातावरण हो गया, पहाड़ों पे ऐसा ही होता ना। वहां से उड़े मुंबई पहुंचे, सब लोग जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आपस में पूछ रहे हैं भैया कहां पे जाना, बोले यहां से तो मुंबई जा रहे हैं, वहां से कुछ पता नहीं। बच्चों का फोन बीच में आ रहा कि पापा जी मम्मी जी कहां पे जा रहे हो, कि भाई कुछ पता नहीं बस जा रहे हैं। मुंबई पहुंचे और मंजिल आ गई होटल ताज। क्या बात है, ताज के लिए तालियां। होटल ताज में पहुंचे, मेरी अपलाइन यहीं पे बैठी है के शर्मा जी, उन्होंने मेरे को कहा सब लोगों को चाबियां मिल रही हैं, चाबी ले लो आप भी। देखो जब जिंदगी बदलती है तो क्या क्या टर्निंग पॉइंट आते हैं, किस तरह से चेंजिंग होती है आपकी। जब कुदरत मेहरबान होती है तो सारी खुशियां आपकी झोली में डाल देती है, बशर्ते आपके पास उसकी दुआओं को लेने के लिए पात्र तैयार होना चाहिए। चाबी ली, लिफाफा हाथ में आ गया और हमने को चाबी नहीं दिख रही उसमें। हम वो लिफाफा पकड़ के खड़े हैं, शर्मा जी बोलते भैया चाबी ले ली, मैंने सर इसमें चाबी तो है नहीं, कि यार चाबी का जमाना गया, अभी ये कार्ड है, कार्ड है इसके अंदर, उसी से दरवाजा खुलेगा। मैं क्या भाई, बदल गई जिंदगी, चाबी से कार्ड पे आ गए। वहां पे जो कंपनी का इंतजाम था, जो कंपनी का खिलाने का पिलाने का ठहराने का सिस्टम था, दोस्तों मैं भले ही अंदर ना गया हूं लेकिन मैंने गृह मंत्री भारत सरकार की लड़की की शादी अटेंड की हुई है, उनके लड़के की भी शादी अटेंड की हुई है। जैसा इंतजाम मैंने वहां देखा था, मैं ये समझता था ऐसा इंतजाम वर्ल्ड में और कहीं नहीं हो सकता, लेकिन FLP में उससे कई गुना बेहतर इंतजाम था। सारा स्टाफ हमारी आवभगत में लगा है, सब लोग बड़ी इज्जत के साथ बात कर रहे हैं। और विश्राम कैसा हुआ 3 दिन, ये तो आप सोचना, आप रात भर ये आप सोचना, और ये सोचना कि अगले सक्सेस डे में मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई करके आप
आपको कितने लोगों को उसमें जाना है उस अनुभव के साथ सोचना। दोस्तों अब मैं जा रहा हूं यूएसए, अभी 6 महीने शेष है मगर मेरा काम हो चुका। अब 5 स्टार से भी 7 स्टार की तरफ चल दिए और आपको यकीन दिलाता हूं ये मेरी शुरुआत है, ये मेरी शुरुआत है। यहां पे बैठा हर आदमी, हर इंसान डायमंड की काबिलियत रखता है, बशर्ते अपने आप को जगा ले, इन प्रोडक्ट से श्रद्धा विश्वास कर ले, इस कंपनी को जिस तरह से सुनील गुप्ता जी कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अगर उस तरह से आपने मान लिया तो ये जिंदगी वाकई आपकी, ये कंपनी आपकी वाकई जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों अंत में मेरे पास समय इतना ही है, मुझे यहां से दिख भी नहीं रहा ना कुछ। थैंक्स करूंगा इस कंपनी की स्थापना करने वाले जागृत देवता श्री रेक्स मोहन जी का, जोरदार तालियां उनके लिए। थैंक्स करूंगा माननीय श्री अमरजीत उभी जी का जो इस प्लेटफॉर्म को लेके आए। थैंक्स करूंगा अपनी ग्रेट अपलाइन मिस्टर आनंद गांधी जी का जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदला। थैंक्स मेरी अपलाइन डॉक्टर के शर्मा जी। थैंक्स करता हूं दिल्ली नेट को जिन्होंने आज मुझे यहां आने का मौका दिया, और थैंक्स करता हूं यहां दिल्ली से जुड़े हुए सभी ट्रेनर्स को। दोस्तों यहां की ट्रेनिंग, अगर 6 महीने लगातार आपने यहां पे ट्रेनिंग ले ली तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे से कई गुना आगे जाने की पावर आपके अंदर हो जाएगी। जोरदार तालियां सिंगम साहब के लिए। थैंक्स करता हूं, कांग्रेचुलेशन सर FLP स्टाफ का, और थैंक्स करता हूं आप सबका, आपने मुझे सुना और मैं चाहता हूं कि आप सब तरक्की करें, आगे बढ़ें और एक नया इबारत लिखें। थैंक यू।